हेलो एवरीवन, टुडे वी आर ब्रिंगिंग अ वेरी न्यू टॉपिक, होम चेस्ट वर्कआउट। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, अगर आप घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं, यू वांट स्ट्रांग चेस्ट, तो डेफिनेटली ये वर्कआउट आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड वी आर स्टार्टिंग दैट विद अ गुड वार्म अप, शोल्डर रोटेशन, बिकॉज शोल्डर जो जॉइंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है वार्म अप करना बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ चेस्ट एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम करेंगे रोटेशन सबसे पहले, After that, chest के लिए सबसे primary movement होती है abduction adduction, तो उसे हम perform करेंगे। ये एक प्रकार का dynamic और एक प्रकार का active प्रकार का warm up भी है कि जो आपके muscle को थोड़ा सा ready करता है आगे आने वाली activity के लिए, rigorous activity। 10 टाइम्स करने के बाद हम करेंगे शोल्डर का एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। तो ये होता है हमारे शोल्डर का फ्लेक्शन, ये होता है शोल्डर का एक्सटेंशन। इसे हम 10 टाइम्स करेंगे रिपीट। उसके बाद कई बार लोगों को क्या होता है, रिस्ट में पेन होता है पुशअप्स वगैरह करने से, बिकॉज उनके रिस्ट अच्छी तरीके से वार्म्ड अप नहीं है, उनके टेंडेंस जो है वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो इसे हम अच्छे से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड लास्ट में थोड़े से हम करेंगे हाई नीज जस्ट टू गेट अवर ब्लड सर्कुलेशन। That's done. Let's move ahead to workout. हमारा सबसे पहला वर्कआउट है एकदम बिगिनर्स के लिए वॉल पुशअप्स। वॉल जो है उसके साथ कनेक्टेड रह के पुशअप करना। तो सबसे पहले आपको आपके एल्बो, शोल्डर और रिस्ट, ये सभी वर्कआउट में कॉमन होने वाला है, एक लाइन में रखना है और वॉल के सामने आ जाना है। कहाँ तक जाना है, जहाँ तक आपका नोज टच ना हो जाए वहाँ तक, और ऊपर की तरफ पुश करना है, मतलब ब्रीद आउट करना है। ये आप ऐसे वार्म अप भी कर सकते हैं, या तो अगर आप मॉडरेट हैं तो आप इसे अवॉइड कर हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज वो भी कर सकते हैं जो है इंक्लाइन पुशअप्स। तो सेकंड वेरिएशन है हमारा इंक्लाइन पुशअप। ये आपके इंक्लाइन चेस्ट पार्ट के लिए होता है और ये भी आप बिगिनर या मॉडरेट सेकंड एक्सरसाइज कर सकते हैं वॉल पुशअप के बिल्कुल ही बाद। तो यहाँ पे आपके जो हाथ है वो ऐसे बेंच पे, या तो आपके घर में कोई बैड वगैरह है वहाँ पे रख दे रहे हैं, और आपके हाथों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो आपका जो चेस्ट और शोल्डर का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आप रखने का ट्राई करें। ओके, प्रॉपर फ्लैट नीचे जाएंगे ब्रीद इन करते हुए, ऊपर आएंगे ब्रीद आउट करते हुए। तो ये हुआ हमारा इंक्लाइन पुशअप का वर्कआउट। इफ यू आर नॉट न्यू टू पुशअप्स, फ्लैट पुशअप आपके लिए बिल्कुल सही रहेंगे, ये भी आप स्टार्ट कर सकते हैं करना। और ये पुशअप जो है ये ओवरऑल चेस्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से हिट करते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप 15 से 20 फ्लैट पुशअप कर सकते हैं तो आपके चेस्ट है, ट्राइसेप है, शोल्डर से आपका कोर मसल्स है, आपके लेग्स है, काफ़ी सारे मल्टीपल बॉडी पार्ट इसी एक्सरसाइज से आपके ट्रेन हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको फ्लैट होना है, चेस्ट शोल्डर रिस्ट एक लाइन के अंदर होनी चाहिए और बॉडी जो है वो आपकी फ्लैट होनी चाहिए टू द ग्राउंड। आपका जो डिस्टेंस है वो शोल्डर विड्थ का होना चाहिए, जैसे हमने आगे चर्चा की थी। नीचे आते समय ब्रीद इन, ऊपर आते समय ब्रीद आउट। थोड़ी वैरायटी ऐड कर सकते हैं, एक पैर ऊपर करके। ये हुआ आपका फ्लैट पुशअप। हमारा नेक्स्ट वर्कआउट थोड़ा सा एडवांस है जो है डिक्लाइन पुशअप। अगर आपको लोअर चेस्ट के लिए थोड़ा सा और बढ़ाना है और अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो ये पुशअप आपके लिए सबसे बढ़िया होंगे। कैसे करेंगे, आपके दो पैर हैं वो बेंच पर जाएंगे या आपके कोई बेड पर जाएंगे, यहाँ से आपको नीचे आना है ऊपर आना है, सेम एग्जैक्टली लाइक वी आर डूइंग अदर पुशअप्स। ये
इन बिटवीन आपका रेस्ट टाइम होना चाहिए मिनिमम 30 सेकंड टू 1 मिनट दो सेट के दौरान। इसके साथ साथ आप हर एक पुशअप और हर एक पुशअप के वेरिएशन के तीन तीन सेट कर सकते हैं 10 से 15 रेपिटेशन। अब हमारे जो पुशअप है वो बहुत ही एडवांस पुशअप्स है। यहाँ पे आप क्लैप पुशअप कर सकते हैं। और क्लैप पुशअप किस तरह से होते हैं, तो सबसे पहले पुशअप की पोजीशन में आपको आ जाना है। आने के बाद नीचे हम ऐसे ही जाएंगे जैसे नॉर्मली आते हैं, लेकिन ऊपर आते समय क्लैप करेंगे। इतनी सारे वेराइटी के बाद अगर इंडियन पुशअप की बात ना करें तो बहुत नाइंसाफी होती है, इसीलिए हम अब करेंगे डंड। डंड मतलब इंडियन पुशअप्स किस तरह से होते हैं। पुशअप की पोजीशन में आ जाना है, पर आपके हिप को पीछे ले जाना है। हिप को पीछे ले जाने के बाद आपको अच्छी तरीके से रोटेट होना है और बैक एक्सटेंशन पोजीशन में आना है। इसे हम कोबरा पोज भी बोलते हैं। यहाँ से वापस हिप को अब हम करने वाले हैं स्पाइडर पुशअप। स्पाइडर पुशअप जो है वो एक ऐसे पुशअप से जहाँ पे आप अपने कोर पर भी ऑब्लिक्स पे भी इतना ही काम करते हैं जितना अपनी चेस्ट पर करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल पुशअप की पोजीशन में आ जाना है और नीचे आते समय आपको आपके लेग्स को रोटेट करना है। किस तरह से देखिए एक्सटर्नली। अब एट लास्ट आपके लिए जो पुशअप है वो आपके कोर पे और आपके चेस्ट पे साइमल्टेनियसली वर्क करता है। किस तरह से, तो सबसे पहले आपको पुशअप की पोजीशन में आ जाना है। यहाँ से आपको क्लैंक टैप्स करना है शोल्डर पे, 1 2 फिर पुशअप करना है, 1 2 फिर पुशअप करना है। गए कि नहीं, मैं तो थक गया। डेफिनेटली अगर इतने वेरिएशन आप करेंगे पुशअप्स के अंदर तो आपकी चेस्ट ओवरऑल डेवलप होगी और शायद आपकी जो चेस्ट डेवलपमेंट के साथ फैट लॉस, को वर्कआउट, एब्स वर्कआउट सभी इंक्लूड हो जाएंगे। ट्राई दिस एंड कमेंट इट डाउन कि आपको वीडियो कैसा लगा।